तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से। और टुडे में आज हम डिस्कस करने वाले मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 3 रुपए 30 पैसे की तेजी देखने को मिली है। और ये स्टॉक 1.5% के करीबन की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक करंट लेवल पर 189 रुपए 10 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में जो नीचे का सपोर्ट लेवल है वो 160 रुपीज पर आएगा। 160 रुपीज पर स्टॉक के अंदर एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। काफी टाइम से देखें तो स्टॉक एक रेंज बोन में ट्रेड कर रहा है, जहां पर ऊपर में स्टॉक में एक रुकावट रेंज है 203 रुपीज पर। 203 रुपीज पर स्टॉक में एक रुकावट रेंज देखने को मिल रही है। जब तक स्टॉक इस प्राइस को ब्रेकआउट नहीं देता, ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक बड़ी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। अब स्टॉक में जो नीचे के एक फ्रेश सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है वो 159 रुपीज पर है। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो नीचे में अराउंड 170 रुपीज का इस पॉइंट पर एक स्टॉप लॉस रखें। ऊपर के टारगेट अराउंड 200 रुपीज तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सके। स्टॉक के अंदर एक बड़ी गिरावट जब ही देखने को मिलेगी जब स्टॉक नीचे में 159 रुपीज के प्राइस को ब्रेक डाउन देता है। जब तक स्टॉक इस प्राइस को ब्रेक डाउन नहीं देता, जब तक स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव रैली ही देखने को मिलेगी। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।